हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेट थ्योरी से है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, 11th क्लास। द नंबर ऑफ द सेट इन द एस 2a² + 3b² इज इक्वल टू 35 है, तो इसमें कितने सेट बन सकते हैं ये अपने को बताने हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट बन सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो तो माइंड से होएगा ये। तो क्या आना चाहिए, 2a² + 3b² = 35। तो आपको ये सोचना है भी a और b की जगह अपने क्या रखें कि 35 आ जाए। ठीक है, अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर कर ये देखनी है। जैसे 1 रखने पे तो नहीं आएगा, है ना, 1² 2 और 1² 3, 2 और 1 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो अपनी तरफ से जैसे मान लो मैं अगर यहाँ 1 रखता हूँ, 2 2 रखो, 2 का स्क्वायर, यानी अपने को 1 odd और 1 even ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पे अगर उसका स्क्वायर होएगा तभी ओड नंबर आएगा। तो जैसे ये 1 रखा, ये 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, और ये 1 रखने पे आ रहा है, ये ओड रख नहीं सकते ना, 3 नहीं रख सकते, दोनों ओड, 4 रख के देखो, 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 48 और 250 हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपने इधर 4 रखें और इधर 1 रखें तो 4 का स्क्वायर 16 16 2 जा 32 32 प्लस, और इधर 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1, ये हो रहा है 35। तो इसके एलिमेंट होएंगे 1 4 4 1, -1 वाले भी हो सकते हैं, है ना, वन फोर तो हो ही नहीं सकता ना, वन फोर वन आ रहा है ना, तो एक तो होएगा 4 1, एक दोनों प्लस के होंगे प्लस, ठीक है, या फिर दोनों माइनस के भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ये, तो आ गया है ना 4 1, और या फिर माइनस का 4 हो सकता है, प्लस का 1 हो सकता है, या 4 और -1 हो सकता है, 4 तो ये बनेंगे बेटा। ठीक है, और एक 2 और 3 रखने पे भी देख लो आगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 4 2 जा 8, और 3 का स्क्वायर होता है 9 9 3 जा 27, तो ये भी आ रहा है बेटा, तो इसके भी 4 बनेंगे, तो टोटल 8 बनेंगे, इसके अलावा नहीं बन सकते, इसलिए इसका आंसर आएगा 8। ओके, तो ये आपको थोड़ा माइंड लगाने वाला क्वेश्चन है भी, इसमें कौन कौन से सेट इसके सबसेट बन सकते हैं वो अपने को बताने थे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।